तो जैसे कि अब हम बात करते हैं कि ये गाइडलाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको रेसिडुअल स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स को रेसिडुअल गाइडलाइन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, केमिकल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि किन केमिकल्स के से कितना ज्यादा उनको दूर रहना है, कितना उनका लिमिटेड यूज करना है, क्योंकि सीधी सी बात है ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। तो आपको ये सीधी सी बात है ये आपके हेल्थ से रिलेटेड है, इसलिए ये आपकी हेल्थ के लिए भी, अगर आप किसी ऐसे केमिकल जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास वन का अगर जैसे बेंजीन क्लास वन के अंदर आता है और अगर आपको इसकी कैटेगरी के बारे में पता ही नहीं है कि इसके कॉन्टेक्ट में आने से अगर आपको कैंसर हो सकता है तो सीधी सी बात है आपके किसी भी टॉक्सिकोलॉजिकल डिजीज होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्यों हो रहा है क्योंकि आपको इसका नॉलेज नहीं है। इस मतलब इस जो ये गाइडलाइन है इसका अगर आपको नॉलेज ही नहीं है और आप रोज बेंजीन के साथ कुछ काम कर रहे हैं, कोई नया रिसर्च वर्क कर रहे हैं या इंडस्ट्री के अंदर कोई नया एपीआई सिंथेसाइज हो रहा है और आप कंटिन्यू इस केमिकल क्लास वन कैटेगरी के कॉन्टेक्ट में हो रहे हैं तो सीधी सी बात है आपको यहाँ पर कैंसर होने के, टॉक्सिकोलॉजिकल डिजीज होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। या क्लास टू कैटेगरी के अंदर भी अगर आप क्लास टू, जैसे कि मैंने बताया कि इसकी भी एक लिमिट दी गई है कि आपको कितना इसका यूज करना है, तो अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप इसके कॉन्टेक्ट में रेगुलर कंटिन्यू बने रहेंगे। क्योंकि देखिए इंडस्ट्री के अंदर भी आपको इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया जाएगा कि आपको किस केमिकल के कॉन्टेक्ट में कितना रहना है और इस कैटेगरी के बारे में भी कुछ नहीं बताएगा क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर काम करना होता है, वहां कोई क्लासे लगने वाली नहीं है, ये काम आपको कॉलेज में करके आना था। तो सीधी सी बात है और कॉलेज के अंदर भी बेसिकली अगर आपको नहीं पता है तो सीधी सी बात है आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट करने लग जाए कॉलेज के अंदर और वहां पर आपको ये पता ही नहीं है इस क्लास के बारे में और आप ऐसे केमिकल यूज कर रहे हैं जो हाईली कार्सिनोजन से, तो वहां पर आपको डिजीज होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। खासकर वो गर्ल्स के लिए भी मैं बोलना चाहूंगा, वो गर्ल्स इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है क्योंकि गर्ल्स का जो इम्यून सिस्टम होता है वो इन केमिकल, ये केमिकल्स उस इम्यून सिस्टम को काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं। साथ ही साथ गर्ल्स की जो स्किन होती है वो भी काफी सेंसिटिव होती है तो वहां पर भी गर्ल्स को स्किन डिजीज होने के भी चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करें अगर आप लड़कियां हैं, लड़की हैं, तो आपको इन कैटेगरी का नॉलेज होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इस कैटेगरी का यूज मेडिसिनल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या यूज है। सबसे ज्यादा जो ये गाइडलाइन है सबसे ज्यादा जिसको इफेक्ट करती है वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री और फिर होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। मेडिसिनल केमिस्ट्री को क्यों इफेक्ट करती है, देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर हम नया प्रोडक्ट कोई सिंथेसाइज करते हैं डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, तो यहां पर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वहां पर सीधी सी बात है केमिकल्स का भी यूज होगा और हम डायरेक्टली केमिकल्स के कॉन्टेक्ट में वहां पर आते हैं, वहां पर उनकी फ्यूम्स भी उड़ती है। तो सीधी सी बात है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर अगर आप कोई नया प्रोडक्ट सिंथेसाइज कर रहे हैं या कोई नई केमिकल रिएक्शन को आप कोई डिजाइन कर रहे हैं या कोई नई रिएक्शन आप बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कोई नई रिएक्शन बनाने की, नया कंपाउंड सिंथेसाइज करने की या रिक्रिस्टलाइजेशन करने की, तो वहां पर आपको इस कैटेगरी के केमिकल्स का नॉलेज होना चाहिए। और आप जब भी कोई नया प्रोडक्ट सिंथेसाइज करें तो उस केमिकल्स को जब आप पढ़ें या आप देखें तो वहां पर आप ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि ये केमिकल कौन सी कैटेगरी का है। तो जैसे कि मैंने बोला कि क्लास, अगर आप कोई नया सिंथेसिस कर रहे हैं और वो सिंथेसिस के अंदर कोई ऐसे केमिकल्स यूज हो रहे हैं जो क्लास वन को बिलोंग करते हैं और जो हाईली कार्सिनोजन से, तो उन केमिकल्स आप कोशिश करें कि उनको अवॉइड करें या उसकी जगह आप ऐसे केमिकल, मतलब क्लास वन की जगह आप उसकी जगह कोई दूसरा केमिकल यूज कर लें जो क्लास टू को बिलोंग करता हो या क्लास थ्री को बिलोंग करता हो। अगर आप और इसीलिए गाइडलाइन दी गई है जिससे आपकी हेल्थ भी इफेक्ट नहीं होगी और साथ ही साथ आपकी जो आप जो नई मेथड बनाएंगे, मान लीजिए आपने मेथड बना भी ली तो वो मेथड आगे एप्लीकेबल नहीं होगी, चाहे तो अगर आप किसी इंडस्ट्री में अगर उसको यूज करना चाहते हैं, किसी इंडस्ट्री को सेल करना चाहते हैं या कहीं भी, तो जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं या जो भी कमर्शियल इंडस्ट्रीज होती हैं वो इस गाइडलाइन को अच्छी तरीके से पढ़ चुकी रहती हैं, तो वो आपकी ये जो मेथड अगर आपने डेवलप भी करी है ना तो वो इसको यूज नहीं करेंगी क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल यूज हो रहा है वो हाईली कार्सिनोजन है और ये केमिकल आपके, सीधी बात है इंडस्ट्री में जो लोग काम करेंगे उनकी हेल्थ को तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ एनवायरमेंट को भी इफेक्ट करेगा क्योंकि जो वेस्ट होगा वो एनवायरमेंट में जाएगा। दूसरी जो मैंने बोला कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम नई नई एनालिटिकल मेथड्स बनाते हैं जिसमें हम एचपीएलसी के लिए नई नई मोबाइल फेस डेवलप करते हैं, नए ड्रग को नए सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं या टाइट्रीमेट्रिक मेथड का यूज करते हैं तो वहां भी केमिकल्स का यूज होता है। तो वहां भी आप कोशिश करें कि जब भी कोई नई मेथड डेवलप करें एचपीएलसी के अंदर, यूवी के अंदर या नई टाइट्रीमेट्रिक मेथड डेवलप करें तो वहां भी आप इस गाइडलाइन के थ्रू ही केमिकल्स को सिलेक्ट करें, क्योंकि देखिए
क्लास वन जो कि हाईली कार्सिनोजन है वहां पर उस क्लास के केमिकल्स को तभी यूज किया जाता है जब सारे केमिकल्स यूज नहीं हो सकते और उसी क्लास का केमिकल यूज होगा तभी उस केमिकल पर जाया जाता है, नहीं तो कोशिश हमेशा यही होती है कि हमेशा क्लास टू या क्लास थ्री के केमिकल्स को यूज किया जाए और चाहे वो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर हो या एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हो, क्योंकि आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। सीधी बात है, जान है तो जहान है, तो सबसे पहले हेल्थ इंपॉर्टेंट है तो आप कोशिश करें। और एक चीज मैं आपको एक नॉर्मल सी टिप्स भी देता दूंगा कि अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल रहा है, कोई नया आपको या प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं या नई मेथड डेवलप कर रहे हैं, ड्रग एनालिसिस कर रहे हैं, और अगर आपको ये पता चलता है कि उसके अंदर क्लास वन केमिकल यूज हो रहा है तो आप कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें या ना करें, दूर हट जाएं। क्योंकि एक प्रोजेक्ट को की वजह से अगर आपकी हेल्थ के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपके लिए। तो मैं आपसे एक बात जरूर बोलूंगा कि अगर आपको पता चलता है कि क्लास वन का केमिकल इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए मेथड के लिए यूज होने वाला है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर यूज होने वाला है, देखिए लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर यूज हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर उस लिमिट से ऊपर अगर केमिकल यूज हो रहा है तो आप कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें। इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी कमर्शियल इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी ये केमिकल्स अगर यूज भी होते हैं तो वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं और वो पूरे प्रिकॉशंस के साथ यूज होते हैं जिससे आपकी हेल्थ इफेक्ट ना हो। बट कई बार ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आप कहीं काम करने जा रहे हैं तो वहां पर जो आपके बॉस लोग बैठे हुए हैं उनको आपकी हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस ये चाहते हैं कि हमको आउटपुट मिलता रहे। ये नॉलेज आपको होना चाहिए क्योंकि वो आपको ये नॉलेज कभी नहीं देंगे क्योंकि उसमें उन्हीं का नुकसान है। तो ये नॉलेज आपको होना चाहिए कि आपको किन केमिकल्स का कितना यूज करना है, कितना उन केमिकल्स के कॉन्टेक्ट में आना है जिससे आपकी हेल्थ जो हो वो सुरक्षित रहे और वो इफेक्ट ना हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये गाइडलाइन क्यों बनाई गई, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, साथ ही साथ ये मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री का जो मैंने आपको यूज बताया वही एपीआई इंडस्ट्री के अंदर भी अप्लाई होती है। मतलब एपीआई इंडस्ट्री जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट डेवलप करती है, बेसिकली वो भी डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के थ्रू एपीआई को सिंथेसाइज करती है, तो इसका नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एपीआई इंडस्ट्री के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पर आप जब एपीआई को सिंथेसाइज करेंगे तो सीधी सी बात है वहां पर डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स यूज होते हैं और फिर एपीआई सिंथेसाइज होता है, तो वहां पर आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप कॉलेज के अंदर कोई एपीआई सिंथेसाइज कर रहे हैं, कोई मेडिसिनल केमिस्ट्री लैब के अंदर आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको गाइडलाइन का नॉलेज होना चाहिए, तभी आपकी हेल्थ जो होगी वो सुरक्षित होगी। वैसा ही नॉलेज आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर भी आपको हेल्प कर सकता है। जब आप इंडस्ट्री के अंदर क्यूसी लेबोरेटरी क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर काम करेंगे तो वहां भी आपको इन केमिकल्स के कॉन्टेक्ट में कम से कम आना है। अगर जैसे मैंने बोला कि क्लास टू के अंदर मिथेनॉल आता है, एसिटोनाइट्राइल आता है जो कि एचपीएलसी के अंदर क्लोरोफॉर्म आता है, ये जो केमिकल्स है बेसिकली क्लास टू के अंदर आते हैं और एचपीएलसी के अंदर यूवी के अंदर ये सबसे ज्यादा या टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस के अंदर इनका यूज बहुत ज्यादा होता है, तो आप कोशिश करें कि इनका यूज आप लिमिटेड वे में करें और अगर आप यूज कर भी रहे हैं तो एक प्रिकॉशंस का यूज करें। दूसरी चीज ये कि ये केमिकल्स हमारे सीधी सी बात है एनवायरमेंट को तो अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो जैसे कि रेसिडुअल गाइडलाइन के ऊपर हम जैसे बात कर रहे हैं तो इसके अभी दो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये हमारे एनवायरमेंट को कैसे इफेक्ट करता है और साथ ही साथ ये गाइडलाइन हमारे हेल्थ को कैसे अफेक्ट करती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमको इस गाइडलाइन का ना पता हो, हमारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में ना पता हो तो उनकी हेल्थ या उनको कितना इसका नुकसान हो सकता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एनवायरमेंट की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि केमिकल्स जो होंगे सीधी सी बात वो एनवायरमेंट पे जाते हैं और ये एनवायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुँचाते हैं, तो जो हमारा भारत सरकार का जो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है वो इन केमिकल्स इस कैटेगरी पर काफ़ी ध्यान रखता है और जब भी वो किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या किसी भी केमिकल इंडस्ट्री को गाइडलाइन या कह सकता हूँ कि वो काम करने के लिए जो एक तरह से कह सकता है कि आप काम करने का जो वो अप्रूवल देता है वो इसी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ही दिया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि इसीलिए इंडस्ट्री अगर हम देखा जाए कि ये जो केमिकल्स हैं ये हमारी जो ज़मीन है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हाईली कार्सिनोजेंस केमिकल्स होते हैं, तो वहां पर अगर कोई ऐसी ड्रग बन रही है जो इस टाइप के केमिकल क्लास वन की कैटेगरी को रखती है तो सीधी सी बात है उस टाइप की जो इंडस्ट्रीज होगी उसको आपको बिल्कुल भी अप्रूवल नहीं मिलेगा। बट अभी इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि इंडिया में करप्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर करप्शन के थ्रू भी अप्रूवल मिल जाता है और यहाँ पर कई केमिकल इंडस्ट्रीज जो हो रही हैं या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो हो रही हैं वो इन केमिकल्स का धड़ल्ले से यूज़ कर रही हैं, क्योंकि आम नागरिकों को भी इस कैटेगरी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है और वो इसी
नॉलेज ना होना, मतलब जिन लोगों के पास इस कैटेगरी का नॉलेज ही नहीं है, ना हमारे आम नागरिकों को नॉलेज है, जहां तक कि हमारे जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस कैटेगरी के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये इन चीजों का फायदा उठाती हैं और ये जाके अप्रूवल लेके आ जाती है गवर्नमेंट से और फिर इसका यूज करती हैं और इन केमिकल का वेस्ट जो है वो या तो जमीन जो हमारी लैंड है उसमें छोड़ती हैं या हमारे समुद्र में जो हमारा पानी है उसमें छोड़ देती हैं। इसी वजह से हमारे देश में भी कैंसर के केसेस भी काफी बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही साथ जो हमारी जमीन है, क्योंकि सीधी बात है जब जमीन पे या लैंड्स पे ये केमिकल्स बहेंगे, इनका वेस्ट बहेगा, तो उनकी जो उपजाऊपन है वो तो खत्म हो गई होगा, साथ ही साथ वहां पर जो रहने वाले लोग हैं वो जब इनके कांटेक्ट में आएंगे, जब वो इस केमिकल से मिला हुआ पानी पिएंगे तो उनको कैंसर होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। और अगर मैं बात करूं यूरोपियन कंट्रीज की, अमेरिकन कंट्रीज की, तो वहां के जो लोग होते हैं, पहली बात तो वहां करप्शन बहुत कम है, उसके बाद जो वहां के साइंस के स्टूडेंट्स हैं या वहां के जो आम नागरिक है वो इस गाइडलाइन से बहुत अच्छी तरीके से अवेयर है और इसी अवेयरनेस का वो फायदा उठाते हैं और यही रीजन है कि वहां पर इस टाइप के केसेस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। यही और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि यही एक रीजन है जिस वजह से भारत के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा है और यूरोप में कम है, क्योंकि वो अपना एनवायरमेंट तो खराब नहीं करना चाहते हैं, आप भले ही मर जाओ, उनको पता है कि इंडिया के अंदर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर केमिकल धड़ल्ले से भाव, तो वो क्या करते हैं कि अपने कंट्री के अंदर तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज नहीं लगाते हैं, वो इंडिया में लगवा देते हैं, इंडिया से माल परचेस करते हैं और वहां पर अपना ड्रग सेल करते हैं, मतलब बनवाते यहां पर हैं, बेचते अपने देश में। इसीलिए इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इसलिए इतनी ज्यादा खुलती जा रही हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज इसलिए इतनी ज्यादा खुलती जा रही हैं क्योंकि लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है और ये वेस्ट अभी भी धड़ल्ले से पानी में बहाया जा रहा है, लैंड में यूज किया जा रहा है और हमारे लोगों को इसमें अब इसके साइड इफेक्ट्स भी अब दिखने लग गए हैं, लोगों को कैंसर हो रहा है, साथ ही साथ ऐसी टॉक्सिकोलॉजिकल डिजीज हो रही है और टेराटोजेनिक डिजीज भी हो रही है। इसलिए अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे तो वहां का एटमॉस्फेयर आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा, वहां पर कभी भी पानी गिर जाता है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां का, जैसे अगर आप दमन और दीव की बात करो तो वहां का जो समुद्र का पानी है वो बिल्कुल मटमेला हो चुका है, जबकि अगर आप देखें तो अगर आप यूरोपियन समुद्र देखेंगे, अमेरिकन समुद्र देखेंगे तो वहां के समुद्र का कलर जो होता है पूरा ब्लू होता है, बट अगर आप अभी दमन द्वीप या किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया के समुद्र का पानी, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, वहां का अगर आप समुद्री पानी देखेंगे तो वो पूरा मटमेला या काला हो चुका है, क्यों? इन केमिकल्स की वजह से। इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज के रूल्स रेगुलेशन इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वहां पर बिल्कुल भी करप्शन नहीं है, इसलिए वहां पर ये केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लगाना इतना आसान नहीं है, और अगर कोई इंडस्ट्रीज लगा भी लेता है तो उसको सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है उनको पूरा बताना पड़ता है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पूरा ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है। यही रीजन है कि, और इस वजह से क्या होता है कि प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाते हैं और वो इतना महंगा प्रोडक्ट होता है जिस वजह से उनको फायदा नहीं हो पाता है, तो वो क्या करते हैं कि इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पर जो करप्शन है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लोगों को इस चीज का कोई नॉलेज ही नहीं है, इस वजह से वो अपना जो प्रोडक्ट है वो इंडिया से सेल करते हैं और अपनी कंट्री में बेचते हैं। इसी वजह से इंडिया में जब तक ये जागरूकता नहीं आएगी, या ये जागरूकता हमारे लेवल पे आनी चाहिए, हम जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, हम जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनको इसका नॉलेज होना चाहिए, इस गाइडलाइन का नॉलेज होना चाहिए, और आपके शहर गांव या कहीं पे भी इस टाइप की इंडस्ट्रीज लग रही हैं तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि वो क्लास वन या क्लास टू के केमिकल्स का तो यूज नहीं कर रहे हैं, और अगर यूज कर रहे हैं तो वो एक लिमिटेड लेवल पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही चीज हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी है कि अगर स्टूडेंट्स को इन चीजों का नॉलेज नहीं होगा और वो इसके कांटेक्ट में रहेंगे, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आप जियो या मरो, वो तो आपको फ्री छोड़ रही है, लगाओ केमिकल यूज करो बहाओ या तुम उसके ऊपर डूब मरो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपको है। अगर आपको इस चीज का नॉलेज नहीं है तो आपको डिजीज हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसका रीजन क्या है, क्योंकि सीधी सी बात है कि लोगों को पता ही नहीं है, आपको लगेगा किसी और वजह से ये सब हो रहा है, बट ये जो स्किन डिजीज है या जो भी आपको उल्टी आना, अल्सर होना या न्यूरोलॉजिकल डिजीज होना, ये सारे इन केमिकल्स की वजह से ही होते हैं। तो आपको अगर इन केमिकल्स का यूज करना है तो एक लिमिटेड लेवल पे ही करें जो गाइडलाइन में दिया गया है, या आप इनको अवॉइड करें। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने बहुत इजी वे में और बिल्कुल सिंपल वे में मैंने जो रेसिडुअल लेवल की जो गाइडलाइंस है जो ICS द्वारा दी गई है उसको बहुत सिंपल वे में समझाया है। फिर भी अगर आपको कोई नॉलेज, आपको कोई चीज क्लियर नहीं हो पा रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं।
साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं, या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।